Hello everyone, my name is Anurag and this is the 7th video of our crash course. इस वीडियो में हम फ्लो ऑफ लिक्विड द्रवों का प्रवाह पढ़ेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर और पेन उठा लेना है. कुछ कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है जिससे आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर पाएँ. उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कितने ईजिली हम कर पा रहे होंगे. तो सबसे पहले मैं डिटेल में पूरा डेफिनेशन नहीं दूंगा, ब्रीफ में. अपने 12th में सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे पता है. आपने एक सीमांत वेग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू 2y9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर. अब आप कहेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला बता दिया याद करने को. नहीं, याद नहीं करना है, आप अभी भूल जाइए. बस इसमें आप ये रिलेशन याद रखिए कि जो वेलोसिटी होती है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है. अगर सभी चीज़ों को हम इन सभी चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान लें तो जो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जो वेग होता है, सीमांत वेग होता है, वो त्रिज्या के, मान लो आपको दो बूंदें दी जाएंगी, पहले की त्रिज्या कुछ दी जाएगी, दूसरे की कुछ दी जाएगी, और वेग एक दिया जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा. तो v1/v2 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर. ये रिजल्ट आपको याद रखना है. दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर ईटा भी होता है नीचे. तो वी जो होती है वो, यानी कि ईटा क्या होता है, श्यानता गुणांक. तो श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है. दो रिजल्ट यहाँ से निकल के आए, वी व्युत्क्रमानुपाती ईटा. ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट. एक स्टॉक्स थे, उन्होंने एक नियम दिया था, एफ इज इक्वल टू 6π ईटा r v. तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो श्यान बल होता है, फोर्स, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ईटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आपको ये याद रखना है. लेकिन ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से हम श्यानता गुणांक की बीमा निकाल पाते हैं. 6π को अगर हम कांस्टेंट कर दें और यहाँ पे एफ की बीमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ की रखेंगे और यहाँ पे उससे में डिवाइड करेंगे, आर की बीमा यानी कि त्रिज्या की एल हो जाएगी, वी की एल, वेग की एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी. तो यहाँ से श्यानता गुणांक की बीमा निकलेगी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन. अब डायरेक्टली मैं रटवा भी सकता था ये, लेकिन मैंने बता दिया कहाँ से आइए, आप इसमें एफ की रखिए और इनसे डिवाइड करिए, ये निकल के आएगी. दूसरा नंबर नोट. तीसरा नोट आपको याद रखना है, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी बर्नौली की, जब कोई असंपीड्य तथा असयान द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके प्रत्येक मार्ग में, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा यानी कि पी, गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा रो जी एच नियत रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं. तो आपको ये भी माइंड में रहनी चाहिए डेफिनेशन. क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन से हमें दिख रहा है कि ऊर्जाएं नियत रहती हैं. तो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है. किस पे होती है? बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है. और जो पेंटागन होता है वो भी, वो सभी आगे बताऊँगा मैं. आपको याद ये रखनी है दो बातें. ओके, अब वेग प्रवणता आपने पढ़ी होगी तो वो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अब देखते हैं क्वेश्चंस को और उससे समझ, हर क्वेश्चंस एक नया कॉन्सेप्ट हमें देगा. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक. अब आपको रटना नहीं है कि द्रवों का बढ़ता है, गैसों का घटता है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसे इंटर रिलेट करना है. अब देखते होंगे, अब जैसे ताप बढ़ाते हैं, जो चीनी बनाना है, कब जो पहला जो घरेलू मेथड होता था उसमें क्या करते थे, रख देते थे गैस पे और उसको गर्म करते चले जाते थे, करते चले जाते थे. तो वो जितना उसको गर्म करते थे वो लिक्विड उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाता था. यानी कि, और श्यानता क्या होता है, श्यानता बेसिकली गाढ़ापन ही होता है. श्यानता को अगर देसी भाषा में बोले तो गाढ़ापन. तो जितना हम गर्म करेंगे उतना ही तो गाढ़ा होता चला जाएगा लिक्विड मेरा. तो यानी कि द्रवों का गाढ़ापन घट रहा है कि बढ़ता है, द्रवों का गाढ़ापन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है. तो श्यानता गुणांक की अगर बात की जाए तो गुणांक कैसा होगा उसका, श्यानता गुणांक द्रवों का घटता है और गैसों का बढ़ता है. आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट है, अत्यधिक शीत ऋतु में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं. तो इसका भी कारण देखो, यहाँ पे क्या है, ये दो चार क्वेश्चन शुरू में स्टार्टिंग में थ्योरी वाले हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं. तो ये हमने कट नहीं किए, ये भी आप देख लीजिए. स्नेहक में क्या होता है कि उसका गाढ़ापन पुर्जों पे बढ़ने लगता है, तभी तो वो जाम होने लगते हैं. तो ये श्यानता का बढ़ना सिंपल सी बात है. शीशे की एक गोली श्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है, गेंद का वेग. अब देखो, मुक्त रूप से गिर रही है, आपने एक सीमांत वेग पढ़ा होगा, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन एंड में जाके एक नियत वेग हो जाता है, सीमांत वेग. तो आपने पढ़ा होगा, तो एंड पहले बढ़ता है फिर एक नियत वेग हो जाता है. लेकिन अब अगर इसको भूल जाओ
तुम्हें अब मैंने कैसे याद किया था, मैंने एक सीमांत वर्ड को पकड़ लिया था। सीमांत में अगर हम संधि विच्छेद करें तो अंत में समान हो रहा है वेग जाके, सीमांत अंत यानी कि अंत में समान, सीमा तो अंत में समान हो जाता है, नियत वेग हो जाता है अंत में, पहले इंक्रीज होता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है किसी स्यान द्रव में सीमांत वेग के से गिरने वाले पिंड का त्वरण। देखो ग्रेविटी की बात की जा रही है सीमांत वेग में, तो आप एक बात बताओ सीमांत वेग में अगर वेग समान हो रहा है तो फिर त्वरण जीरो हो जाएगा क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, होता है ना त्वरण वेग पर। अब वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है सीमांत वेग यानी कि एक समान वेग है तो फिर वेग परिवर्तन ही हो रहा है तो ग्रेविटी उसमें जीरो हो जाएगी। अब देखते हैं, ये देखो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखनी है। वायु में सीमांत वेग वी से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला स्यान बल किसके अनुप्रमाण। अभी हमने स्टोक्स का नियम बताया था, एफ इजिक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो एफ जो होता है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही पूछा गया है। दो गोलियां जिनकी रेडियस आर एंड टू आर हैं स्यान द्रव में एक समान चाल से गिर रही हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, अब ये भी स्टोक्स के नियम से आ जाएगा। एफ इजिक्वल टू क्या होता था, 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि उनकी रेडियस और एफ में भी अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो जो रेशियो रेडियस का होता है वही फोर्स का होगा। तो रेडियस का अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो आर और टू आर का 1:1 आएगा, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा उनके फोर्स का भी। वर्षा के बूंद में सीमांत चाल, अभी सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था वी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे ईटा, तो यहाँ से आर स्क्वायर और ईटा में रिलेशन एक बताया था, वही इसका डी पॉइंट सही हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, वही उसी फॉर्मूले से है। आपको याद रखना है कि जो सीमांत वेग होता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है वर्ग के, और ईटा यानी कि स्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की एक छोटी गोली स्यान द्रव में गिर रही है, उसका सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा। आर स्क्वायर के मैं बता चुका हूँ, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है नीचे गिर रही है, सीमांत वेगों का अनुपात। अब सीमांत वेग मैंने बताया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, अब 1:2 है त्रिज्याओं का तो उनका स्क्वायर करेंगे तो 1:4 हो जाएगा उनके स्यान वेगों का, तो 1:4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की एक छोटी बूंद वी चाल वेग से नीचे गिर रही है, त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो सीमांत चाल क्या होगी। देखो वही क्वेश्चन है, अभी हमने बताया वी में रिलेशन होता है आर स्क्वायर का, अब त्रिज्या 2 गुनी कर दी है तो पहले 1 थी अब 2 कर दी तो उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्ग होता है ना, तो 1:4 हो जाएगा उनके वेगों का अनुपात, तो 4V हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान आकार की 8 बूंदों को जिनका प्रत्येक का वेग इतना है, एक बड़ी बूंद में, वो क्वेश्चन ऊपर चला गया मुझे, मैंने देखा कि देख लेते हैं, बड़ी बूंद बनाई गई तो उसका सीमांत वेग क्या होगा। अब लड़के क्या करेंगे, 8×40 कर देंगे उत्तर और गलत हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे 8 बूंदें दी गई हैं, ये त्रिज्या नहीं दी गई है, आपको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, अब पहले अगर कभी भी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो आप सोचो जो आयतन बड़ी बूंद का होगा वही तो सभी छोटी का होगा, आयतन तो बदलेगा नहीं, तो बस क्या करना है बड़ी बूंद का आयतन को छोटी बूंद के आयतन के बराबर कर देना है, तो बड़ी का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब छोटी कितनी बनाई गई है वो आगे संख्या रख देनी है, 8 बनाई गई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो आर की इक्वल टू 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इस पूरे को 2 आर का क्यूब लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कट गया, तो आर और आर में रिलेशन मिलेगा 1:2 का, 2 इधर आएगा तो 1:2 का मिल गया आर और छोटी आर और बड़ी आर में। अब हमें दोनों की त्रिज्याएं मिल गई हैं 1:2, और वेग क्या होता है आर, वेग होता है आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उनमें रेशियो 1:2 का मिला है तो इनमें रेशियो 1:4 का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अब 5 है तो 5 का 4 गुना 20 सेंटीमीटर इसका वेग हो जाएगा, सीमांत वेग बड़ी बूंद का, ऐसे इसको करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर मंजिल में कठिनता से पहुंचता है जबकि ये टंकी भरे जल से नीचे होती हैं, इनका कारण है। यार कभी कभी हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है कि कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें हंसी आती है यार। अगर आपको 4 पर्संस दे दिए जाएँ और उनमें से कहा जाए कि बैंकर्स चुनो, बैंक देखो कौन सा बैंकर लग रहा है, तो कभी कभी हमारे पास इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि इसमें कौन बैंकर लग रहा है। अब देखो इसका सी ऑप्शन देखो, टंकी के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक जल का उपयोग करते हैं, यार ये कोई बात हुई, उनकी पर्सनल लाइफ से फिजिक्स का क्या मतलब, पाइप चौड़े होते हैं पाइप कम चौड़े होते हैं, तो कभी कभी हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि इसमें केवल डी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो रिलेवेंट है,
जब जल बहता है तो दाब की हानि होती है, तो ये भी आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है आर और टू आर हैं त्रिज्याएं, और वेग वही है सीधा वी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी से निकल के आ जाएगा ये। नेक्स्ट है असमान त्रिज्या जल बह रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो वेगों का अनुपात। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वेग और त्रिज्या में, जो द्रवों का प्रवाह चैप्टर में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि वेग और त्रिज्या में रिलेशन पे क्वेश्चंस। तो ये तीन दो है तो उसका वर्ग होता है तो 9:4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बर्नौली की प्रमेय ठीक लागू होती है, किस पे लागू होती है? आपने बर्नौली की प्रमेय पढ़ी होगी, असंपीड और असयान द्रव जब किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में वो ऊर्जाएं समान रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा धारा रेखी प्रवाह, ये नहीं है कहीं भी जल भरा हुआ है उसमें ये हम बर्नौली की प्रमेय लगा लें तालाब में भी लगा दें, नहीं, एक आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह के लिए होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बर्नौली की प्रमेय आधारित है, किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है, ये देखो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है। अब आपको एक एक बात और याद रखनी है कि जो वायुयान होता है वो भी बर्नौली की प्रमेय पे कार्य करता है, अब पेंटागन होता है वो भी बर्नौली की प्रमेय पे कार्य करता है, तो वायुयान पेंटागन जे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको रट लो, अब इसे रटाफिकेशन कर लो, वायुयान और पेंटागन और बर्नौली होती है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे। नेक्स्ट है धारा रेखी प्रवाह में, इसको मैं जूम आउट कर लूँ थोड़ा, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित जल का वेग शीर्ष इतना है तो इसके प्रवाह की चाल। देखो ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि कोई एक जल भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसमें एच हाइट से छिद्र कर दिया जाए तो वेग कितना होगा उसका, जो यहाँ से लिक्विड निकलेगा उसका वेग, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, जहाँ पे वी होती है वेलोसिटी और एच होती है हाइट, जी होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्वेश्चन में ना दी जाए तो आपको 10 रखनी है और दी जाए तो 9.8 रखनी है। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसमें लगा देना है, एच हाइट शीर्ष वेग शीर्ष कितना दिया है 10 और वेग पूछा गया है, तो रख दो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो हाइट 10 रखेंगे और जी का मान अगर 10 दिया है, 10 दाम 100 दुना 200 हो जाएगा, 200 का वर्गमूल लेंगे तो इससे आपका 1.4, ये सेंटीमीटर को में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके तब रखेंगे क्योंकि ऑप्शंस मीटर में, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है, पाइप में सबसे अधिक, यार ये क्वेश्चन कट हो गया। नेक्स्ट देखें एक झांझा अर्थात तूफान घर के ऊपर झांझा के कारण छत पर, तो आपने देखा होगा जो कभी कभी वो आते हैं, आपने देखा होगा हवा के ऐसे सर्कल से बनता है, बहुत तेज़ हवा आती है तो वो ऊपर की ओर लगता है, छत ऊपर की दिशा में, छत से तूफान जो होता है वो ऊपर की दिशा में होगा। नेक्स्ट है जल से भरे बर्तन मुक्त तल से इतने मीटर की गहराई पर एक छिद्र है, बहिस्राव वेग होगा, वही क्वेश्चन हमने बताया वी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gh, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन इस पे पूछ दिए जाते हैं। अब क्या होता है यार, हम लोगों की जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम एक होती है कि हम लोग सब कुछ पढ़ते चले जाते हैं जबकि हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आप एक बात बताओ, आप एक चैप्टर है अपने में प्रत्यावर्ती धारा, आप उसे पढ़ने बैठेंगे एक हफ्ता लगा देंगे और उससे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बनता है, मैं 4 बार से एग्जाम दे रहा हूँ, कभी आ गया कभी नहीं आया, तो हमें वो पढ़ना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेट उठाएं तो जिन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन और जिन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, जैसे मैंने एक लॉजिक गेट का वीडियो बनाया तो उससे क्वेश्चन पक्का आना है, तो इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में। अब जैसे अब मान लो आप, जैसे मैं बताऊँ, आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक मिनट आपका यहाँ पर लेना चाहूँगा, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आती है 1 नंबर की, वो भी किसी वर्ष आ जाती है किसी वर्ष नहीं आती है, पॉलिटी आती है 8 नंबर की, 8 से 10 नंबर की, और हर साल पूछे जाते हैं अनुच्छेद आर्टिकल और अमेंडमेंट सब पूछे जाते हैं। आप इसे पढ़ रहे हैं 1 महीने और इसे आप पढ़ रहे हैं 5 महीने, तो क्या अपने साथ आप फेयर कर रहे हैं? बस यही तरीका होता है आपकी स्टडी का, जो आपको टॉपर्स बना देता है उतने, एक होता है हार्ड वर्क एक होता है स्मार्ट वर्क, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिन टॉपिक्स से आपके हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा करिए, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें पता है कि कहाँ से क्या आता है। अब ये नहीं है कि प्रत्यावर्ती धारा से एक क्वेश्चन वही आता है V0 = I0/√2 सीधा सीधा रिलेशन, अब उसके लिए मैं पूरा चैप्टर 8 दिन पढ़ाऊँ तो ये फेयर नहीं होगा ना, तो आप थोड़ा इसे स्ट्रेटजी अपने बनाइए थोड़ा सोच समझ के। एक बर्तन में ये तो हो गया,
हाँ एक बर्तन में हाइट दी गई है, वेग पूछा गया, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, एच का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2g का मान 10 रखेंगे, एच का मान 3.2 रखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, 32 दूना 64 है, वर्गमूल लेंगे तो 8 कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्लो ऑफ लिक्विड्स के। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो जो यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है वो कमेंट में ये ज़रूर लिख दिया करो कि मैंने वीडियो पूरा देखा है, आई वॉच्ड द वीडियो टिल एंड, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट कुछ तो हैं जो हमसे जुड़े हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं। और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि YouTube की पॉलिसी होती है कि जितने लाइक होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिकमेंड करेगा स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं तो इतना सपोर्ट आप करिए, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।